बिलासपुर जोन से चलने वाली यात्री गाड़ियों का संचालन पिछले 2 वर्षों से अव्यवस्थित है। यात्री गाड़ियों को बिना किसी कारण निरस्त किया जाना तथा जो यात्री गाड़ियां चल रही है वह भी लंबे समय से विलंब से चल रही है, जिसके चलते आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हजारों की संख्या में स्टेशन के पास लोगों ने रेल रोको आंदोलन करने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें बीच में ही रोक लिया गया। जब इसको लेकर रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों से मीडिया के द्वारा बात किया गया तो उन्होंने मीडिया से बचकर भाग खड़े हुए। इससे यह प्रतीत होता है कि रेलवे को यात्रियों के प्रति कोई जिम्मेदार नहीं दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जिस प्रकार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पिछले 3 वर्षों से मोदी सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, ये सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 साल में हजारों ट्रेनें बंद कर दी गई, हमारे ट्रेन का दिन आता है तो ट्रेन रद्द कर दी जाती, और ये सिलसिला 1 दिन का नहीं है, 3 साल से हो रहा है। 65 ट्रेनें रद्द, कभी 46 ट्रेनें रद्द, कभी 19 ट्रेनें रद्द, कभी 23 ट्रेनें रद्द। अरे जब बिलासपुर अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, बिलासपुर सर्वाधिक रेवेन्यू देने वाला मॉडल है आपका। आप पैसा लेते वक्त तो कोई वो नहीं करते हो, लेकिन सुविधा देते वक्त आप सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? आप छत्तीसगढ़ की जनता से किस लिए बदला लेना चाहते हो? मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैंने प्रश्न किया था विधानसभा में, प्रश्न मैंने पूछा था, 3 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर हमने विधानसभा से प्रश्न किया, विधानसभा से प्रश्न राज्य सरकार ने वहां भेजा, 4 पत्र भेजे रेल मंत्रालय को, लेकिन 4 पत्रों का जवाब देना उचित नहीं समझा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। क्यों? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं से आपको किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, इसलिए आप बराज बिलासपुर में हमारे सभी नेता, वरिष्ठ नेता, देखिए महिलाएं, युवा सब आए हुए, आज रेल रोकेंगे और हम छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए आज बिलासपुर स्टेशन आए हुए। और छोटे छोटे व्यापारियों को जो आर्थिक तंगी का सामना पड़ना है उसके ध्यान भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये आंदोलन इसलिए भी हो रहा है कि आपको कोयला ले जाने के लिए तो आप एनाकोंडा ट्रेन चलाते हैं, यहाँ से आयरन ओर ले जाने के लिए आप ट्रेन चलाते हैं, पर यात्री ट्रेनों के मामले में मेरे को तो ये आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी यात्री ट्रेनों को भी अडानी के हाथ में बेचना चाहती है। हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि अगर भारत की जीवन रेखा के साथ खिलवाड़ हुआ तो हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। राजनांदगांव से लेकर रायगढ़ तक पूरे ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा और यहाँ से कोयला ढोराई भी बंद कर दी जाएगी। उनको चेतावनी है, जल्दी तक रेल लाइन है ये हावड़ा मुंबई रेल लाइन को जोड़ती है, अगर भारतीय जनता पार्टी यात्री ट्रेनों को शुरू नहीं करती है तो इन रेल पटरियों पर बैठकर हम रेल पटरियों पर आंदोलन करेंगे और यहाँ से कोयले का लदान रोक दिया जाए।